भैया अगर ऐसे सुनसान रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चौकन्ना हो जाइए, नहीं तो आपके साथ भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। ऐसा ही एक मामला आज महाराजगंज जनपद के ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र से आया है, जहां बदमाशों ने युवक को गोली मारते हुए उनसे 2 लाख रुपए की लूट कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार अभिमन्यु यादव और उनके दोस्त आशीष सहानी दोनों लोग अपनी मोटरसाइकिल से 2 लाख रुपए लेकर कहीं जा रहे थे। जैसे ही वह लेहड़ा जंगल में पहुंचते हैं कि पीछे से ओवरटेक करती हुई एक बदमाशों की गाड़ी आती है और वह रुकने का इशारा करते हैं, लेकिन इसी दौरान इस घटना में जिनको गोली लगी है वो कुछ ना कुछ उनको भनक लग जाती है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है और वो इसका प्रतिरोध करते हैं। उसके बाद बदमाश उनकी जांग में गोली मार देते हैं। फिलहाल अभिमन्यु यादव को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल में भर्ती कराया गया है। वहीं उक्त मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल महाराजगंज के SP डॉक्टर कौस्तुभ घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं और जाँच पड़ताल पुलिस के द्वारा जारी है। देखिए, परिंदा पुलिस के पास सुबह 10 बजे के आसपास ये सूचना है कैंपियरगंज से कि वहाँ पर 2 युवकों द्वारा ऐसा बताया गया है कि वो सुबह जब 7:30 बजे के आसपास ब्रिजमनगंज की तरफ आ रहे थे तो वहाँ पे 2 बाइक सवार द्वारा उनके पास एक पैसे का बैग था, उसे छीना गया है और उनको घायल किया गया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल जो मजरूब हैं और साथ में जो उसके साथ जो 2 व्यक्ति आ रहे थे उन सबसे गहनता से पूछताछ की जा रही है, उन पूरे मामले की जानकारी की जा रही है। अभी तक सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई गहन जाँच के बाद, और जो CCTV कैमरे और बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स हैं और तथा वादी और मौके की सारी जानकारी करते हुए इस पूरे घटनाक्रम जानकारी की जा रही है और कार्रवाई।